ये बात 10 सितंबर 1973 की है, जब चमत्कारी बाबा नीम करौली महाराज ने महासमाधि ली और भौतिक शरीर त्याग दिया। उसके बाद जब नैनीताल के छोटे से गांव कैंची में बाबा नीम करौली महाराज का मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो 15 जून 1976 के दिन महाराज जी की मूर्ति स्थापित की गई। तब से हर वर्ष भारत की उत्तरवाहिनी नदियों में से एक शिप्रा नदी के किनारे बाबा नीम करौली धाम कैंची में भव्य मेला लगता है। इस मेले में भारत से ज्यादा विदेशों के भक्त शामिल होते हैं, जो कनाडा, यूएस, जर्मनी और फ्रांस समेत अन्य देशों से आते हैं। बाबा नीम करौली महाराज की तपोस्थली कैंची धाम में जब जब मेला लगता है तो उस वक्त कई चमत्कार दिखाई देते हैं। यहाँ भले ही अब बाबा की समाधि है, लेकिन बाबा के चमत्कार अब भी दिखाई देते हैं। बाबा नीम करौली महाराज के चमत्कार को लेकर कहा जाता है कि एक बार कैंची धाम में भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई। आसपास घी मिलने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि वो जाएं और नीचे बह रही नदी से एक कनस्तर पानी भर लाएं। उसके बाद जब उस पानी को प्रसाद बनाने में उपयोग किया गया तो वो पानी घी में बदल गया। इसके अलावा कैंची धाम में लगने वाले भंडारे और मेलों को लेकर एक और चमत्कार की कहानी नीम करौली महाराज के भक्त बताते हैं। बाबा के भक्त बताते हैं कि एक बार मंदिर में काम करते वक्त एक व्यक्ति का हाथ गर्म तेल की कड़ाही में चला गया, जिस कारण उस व्यक्ति का हाथ पूरी तरह जल गया। वह इतना जल गया था कि हाथ में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची थी। उसके बाद किसी ने इस घटना के बारे में बाबा को बताया, जिसके बाद बाबा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उस व्यक्ति के हाथ पर कंबल फेर दिया। फिर कंबल फेरते ही व्यक्ति का हाथ पहले की तरह हो गया, बिल्कुल ठीक, न कोई घाव न कोई निशान। तो ये थी बाबा नीम करौली धाम में मेले या भंडारे के दिन हुए चमत्कार की कहानी। अब हम आपको नीम करौली के अन्य चमत्कारों के बारे में बताते हैं। नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्बर्ट रामदास ने मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इस किताब में बुलेट प्रूफ कम्बल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा नीम करौली महाराज हमेशा कम्बल ही ओढ़ा करते थे। आज भी जब लोग उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। बाबा नीम करौली महाराज के चमत्कारों की आप एक और कहानी सुनिए। एक बार स्थानीय निवासी धर्मानंद तिवारी नैनीताल से कहीं लौट रहे थे, जिसमें उनको रास्ते में काफी देर हो गई। इस दौरान तिवारी को रास्ते में भूत का डर लगने लगा। तभी एक व्यक्ति कंबल ओढ़े धर्मानंद को मिला और उसने बोला, बेटा अभी तुमको गाड़ी मिल जाएगी। और कुछ देर बाद धर्मानंद को गाड़ी मिल भी गई, जिसके बाद धर्मानंद ने बाबा से पूछा, आप कौन हैं? अब कब आपके दर्शन होंगे? फिर बाबा ने कहा, 20 साल बाद मुलाकात होगी। इसके बाद अचानक 20 साल बाद बाबा ने तिवारी को दर्शन भी दिए। आपको बता दें कि बाबा नीम करौली महाराज का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके बाद बाबा ने देश भर में 12 प्रमुख मंदिर बनवाए। उनके समाधि के बाद भी भक्तों ने 9 मंदिर बनवाए हैं। इनमें मुख्यतः हनुमान जी की प्रतिमा है। नीम करौली महाराज को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड तक के लिए नैनीताल से लीला सिंह पिस्ट की रिपोर्ट।